डिफरेंट आउटफिट्स, लेकिन यहाँ पे साउंड थोड़ी सही नहीं आ रही ना, अब किसी और नई लोकेशन पे चलते हैं। ये लोकेशन और साउंड ठीक है ना, बाकी मेरा गला ख़राब है वो अलग बात है। जो भी मैं आउटफिट्स इस वीडियो में बताऊंगा, वो अभी जो हमारी हल्की फुल्की कभी गर्मी कभी सर्दी चल रही है और जो अभी सर्दियां आने वाली है उसको दिमाग में रख के बताई गई हैं। करिए फिर शुरुआत है, चलो फिर। पहली आउटफिट जो हमारे इंडिया में बहुत कम लोग पहनते हैं लेकिन हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लड़के पहनते हैं, वो ये है कि अपनी जीन्स पहननी, उसके साथ स्नीकर्स पहने और उसके साथ राउंड बॉटम लॉन्ग लाइन टी शर्ट और उसके ऊपर हमारी स्वेट शर्ट और अपनी जो टी शर्ट है उसको नीचे से हमने बाहर निकालना है। ये आउटफिट परफेक्ट है आपके कॉलेज के लिए, ट्यूशंस के लिए और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, और कुछ थोड़ा हट के दिखती है। सेकेंड लुक जो आपको मच्योर दिखाएगी, और ये लुक आपकी फर्स्ट डेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक है क्योंकि इस लुक से ना वो रोब पड़ेगा, रोब हिंदी में क्या हुआ, हाँ प्रभाव पड़ेगा इस लुक से, राइट। ये लुक कोई भी आपकी कैजुअल पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या आप किसी क्लब या बार में जा रहे हैं, ये लुक बिल्कुल सही लुक है। वो ये है कि आप कोई भी सेमी फॉर्मल शूज़ पहनो, उसके साथ जीन पहनो और उसके साथ फॉर्मल शर्ट पहनो, टक इन करो और साथ में लेदर बेल्ट। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके सेमी फॉर्मल शूज़ है और जो आपकी लेदर बेल्ट है उसका कलर सेम होना चाहिए। ये लुक ट्राई करना एंड बिलीव मी, आप ये लुक पहनोगे ना एक अलग सा ही ना आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 3 पे सबसे बेसिक लुक, और इस लुक पे ही मेरे बहुत से भाई कंफर्टेबल हो गए और ये वीडियो इस लुक के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी, वो है स्नीकर्स पहनो, साथ में जीन्स पहनो और उसके साथ टी शर्ट। परफेक्ट लुक फॉर योर कॉलेज ट्यूशन। फोर्थ लुक जो अगेन बहुत ही सिंपल है, वो ये है हमारी टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर कोई भी जैकेट, चाहे वो हमारी लेदर जैकेट है, चाहे वो हमारी बॉम्बर जैकेट है और चाहे वो हमारी डेनिम जैकेट है, क्योंकि यार जैकेट ना कोई भी पहन लो वो एक थोड़ी ना टफ सी वो फीलिंग सी आती है ना। अब बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ लुक जो भयंकर सर्दियों के लिए परफेक्ट है, वो है जीन पहनी, उसके ऊपर स्वेटशर्ट और उसके ऊपर बॉम्बर जैकेट या फिर हमारी लेदर जैकेट। और एक और बात बताऊँ, पास आओ, वीकेंड की अपनी मर्च की स्वेटशर्ट बहुत ही जल्दी आने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब पीछे जाओ। जो ये लुक है ये लुक आपको मच्योर भी दिखाएगी और जो मेरे स्किनी भाई है उनके लिए भी ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये उन्हें कम स्किनी दिखाएंगी। और वहीं अगर आपकी बॉडी टाइप थोड़ी फैटी है, देन आप जैसी ये मैंने टर्टल नेक की स्वेटशर्ट पहनी है ऐसी स्वेटशर्ट्स को अवॉइड करें क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो नेक है वो नहीं दिखेगी, और अगर आपकी नेक नहीं दिखेगी देन थोड़े आप फैटी दिखोगे। मेरे फैटी भाई जितनी ज़्यादा अपनी नेक दिखाएंगे उतने वो थोड़ा पतला दिखेंगे। ईजी, वेरी ईजी। अब नेक्स्ट लुक, सिक्स्थ लुक। इस लुक में मेरे बहुत से भाई कंफर्टेबल होंगे और हमारे इंडिया में यही लुक सबसे ज़्यादा पहनी जाती है, वो ये है हमने अपनी जीन पहनी और उसके साथ हमारी कैजुअल शर्ट। ये लुक परफेक्ट लुक है किसी भी कैजुअल ओकेजन के लिए। वहीं अगर हम सेवन्थ नंबर पे बात करें, देन आप क्या करो कि अपनी जो आपकी कैजुअल शर्ट है उसके बटन खोल लो और नीचे अपनी टी शर्ट पहन लो और साथ में स्नीकर्स और जीन्स के साथ कभी भी स्पोर्ट शूज़ नेवर। एट्थ लुक जो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है और हमारी थोड़ी हमारी फॉर्मल वेयर में आ जाती है, वो है हमारी जीन पहनो, उसके नीचे फॉर्मल शर्ट और साथ में हमारी कोई भी स्वेटर पहन लो। अब अगर आपको यहाँ पे इसके साथ जो शूज़ पहनने हैं वो स्नीकर्स नहीं पहनने, आपको इसके साथ पहनने हैं चेल्सी शूज़ या हमारे ब्रोक शूज़ या हमारे मॉन्ग स्ट्रैप। जो मैंने पहने हुए हैं ये हैं हमारे ब्रोक शूज़। अब अगर आप यहाँ पे हल्की सी कैजुअल लुक भी देना चाहते हो लेकिन फिर भी वो फॉर्मल की टच बिगाड़ना नहीं चाहते, देन आप अपनी शर्ट को कुछ ऐसे नीचे से बाहर भी निकाल सकते हो। अगर हम नाइन्थ लुक की बात करें, नाइन्थ लुक में क्या है कि ये लुक ना बहुत ही थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ी आपको क्राउड से हटके दिखाएगी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, वो ये है कि अपनी फॉर्मल शर्ट पहनी और अपनी स्वेटर को कुछ इस तरह से अपनी कमर पे बांध लिया। टेंथ लुक जो 2017 की सर्दियों में भी बहुत चली थी और 2018 की सर्दियों में भी बहुत चलेगी, वो है श्रग। जीन पहनो, साथ में टी शर्ट पहनो और उसके ऊपर श्रग पहनो, और जो आपने जो नीचे टी शर्ट पहनी है वो जितनी सिंपल होगी, यानी कि वो जो जितनी प्लेन होगी, जो आपका वो श्रग है वो उतना ही एनहेंस होके आएगा। अगर आपकी जो नीचे वाली टी शर्ट प्रिंटेड है या उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं, देन जो आपका वो श्रग है वो इतना एनहेंस नहीं होगा। ये छोटी सी बात का ध्यान रखना, और इसके साथ फॉर्मल शूज़ नहीं पहनने, हमेशा स्नीकर्स पहनने हैं। तो ये थी 10 लुक
एक जीन के साथ। आपको इनमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जो आप ट्राई करोगे। और मेरी पिछली वीडियो में से इस वीडियो में जो कमेंट फीचर हुआ है वो फीचर है, कोई बात नहीं, ब्लूपर्स कभी हो जाते हैं, कट नहीं करना। वो हुआ है सुखपाल सैनी का, ऋषि भाई की कुछ तो बात है, ऋषि भाई की कुछ तो बात है, तभी तो वीकेंड चलता दिन रात है। ऐसे आप भी कोई फुद्दू फुद्दू शायरी करो नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके इस भाई को आप भाइयों का ही सहारा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, हम क्या क्या, मैं अपनी डेली लाइफ में मस्ती करता हूँ, वो सारा कुछ आता रहता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।